क्या कर रही हो? हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे यहाँ। कमाल है, हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हारा बचपन यहाँ बीता है, यहीं पे पली बड़ी हो तुम, और तुम्हें यही नहीं पता कि हम वॉशरूम कहाँ है। क्या है ना कि तब हम बहुत छोटे थे, आधी से ज्यादा चीजें तो याद ही नहीं है। उसके बाद तो कितनी सारी चीजें बदल गई है, बहुत कुछ नया नया बन गया है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अंकल कहाँ है? क्या वो कमरा जो तुम वॉशरूम समझ के खोल रही थी? अंकल का प्राइवेट कमरा है। ओह, I'm sorry, हमें पता नहीं था, वरना हम हमें भी नहीं पता था। जब हम नई शादी करके आए थे ना यहाँ, हमें भी लगा था कि ये वॉशरूम है। इसी बात पे दे ताली। चल हम बताते हैं वॉशरूम का है। आओ। हो गया, कल्याण हो आप लोग का, आप लोग का कल्याण हो, आप लोग का कल्याण हो। हो गया, चलिए। हो गया सर, हो गया। यहाँ का कार्य तो हो गया, आशा करते हैं कि करिश्मा सिंह भी अपने मिशन में सफल रहेंगी। दीदी जी, लेटे लेटे पीठ अकड़ गई है, थोड़ा मदद कर देंगे उठने में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आराम से, आप भी तो पेट से है ना, संभाल के। आराम से ही आए हम। आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी जी। ये लीजिए। धन्यवाद। हमारा नाम बिमला है, और आपका? कमला। मैं बिमला, आप कमला। कमला बिमला जुड़वा बहनों के नाम लगते हैं, नहीं? हाँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना। अरे दीदी, आपका महीना पूछ रहे हैं, आप पेट से है ना, आपको कौन सा महीना लगा है? हमें सात महीना हमको लगा है, सातवा। आप बताओ ना, आपके घर में सब कैसे हैं, सब सासू माँ, आपके पति कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ? 2-3 महीने पहले सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। माफ करना, हमें पता नहीं था। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? ये सब तो नियति का खेल है, इसमें किसी का क्या दोष? शुक्र है वो तो कि महिपाल जी जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, वरना पता नहीं हम जैसे बदनसीब लोगों का क्या होता। आप महिपाल सिंह का बात कर रही होगा? जी जी, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते, नहीं जानते। अरे देवता हैं, साक्षात भगवान का रूप। ऐसे समय में जब हमारे घर वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब महिपाल जी ने हमारे सर पर अपना हाथ रखा और हमको अपना बेटी माना, और उन्होंने ही यहाँ अपने इस अस्पताल में हमारा दाखिला भी करवाया, और अब वही हमारा पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। अच्छा। अरे याद आया, तुमने फॉर्म भरा क्या? फॉर्म? कैसा फॉर्म? कल महिपाल जी ने अस्पताल में टीकाकरण का कार्यक्रम रखवाया है। कल यहाँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं दाखिल हैं, उन सबको शक्तिवर्धक का टीका लगाया जाएगा, जच्चा और बच्चा की अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, चलो जल्दी से फॉर्म भर दो, आज हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट, क्या टेस्ट है ये? चलिए, आपके टेस्ट का टाइम हो गया। इस इंजेक्शन से तुम्हें नींद आ जाएगी, और फिर हम तुम्हारे सारे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? तुम? हम हमारा आज ही दाखिला हुआ है ना। वो फॉर्म भरा तुमने? नहीं, फॉर्म नहीं भरा हमने। ये लो फॉर्म भर लो। हाँ। अगला नंबर तुम्हारा ही है, चलो। Thank you.
ये तो यही आ रहा है। रिपोर्ट अच्छी है, एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट बॉडी है। एक बात बताओ, इस प्रेग्नेंट लेडी के अलावा हमारे पास टेस्ट के लिए कुल 11 लेडीज और है ना? राइट सर। इट मींस वी आर रेडी फॉर फाइनल ट्रायल ऑफ आवर वायरस। एब्सोल्युटली। इनमें से किसी औरत को डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इनको तो पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। किसी को कोई शक नहीं होगा कि हम इनके अंदर एक वायरस इन्फेक्ट करने वाले। सो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज हमारे मिशन के लिए सबसे आसान टारगेट होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये गरीब तबके की हैं, यानी कि कोई कहने सुनने पूछने वाला नहीं है कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या किस मकसद से कर रहे हैं। वैसे भी इस वायरस के सिम्टम्स जब तक इनकी बॉडी में फैलेंगे, तब तक हमारा ये वायरस देश के आधे हिस्से में फैल चुका होगा। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, अभी तो पूरा खेल होना बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल जरूर कामयाब होगा। हम इस वॉरहेड में वायरस इंजेक्ट करेंगे। वॉरहेड को लॉन्चर में फिट करके ये ग्रीन बटन दबाने पर लॉन्चर रेडी हो जाएगा और इस रेड बटन को दबाते ही मिसाइल लॉन्च होगी। मिसाइल के ब्लास्ट की वजह से यह वायरस कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर के पानी में फैल जाएगा और धीरे धीरे पूरा शहर, फिर पूरा देश इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगा। पर सर, इन सब से हमारा क्या फायदा? एंटीडोट, जो हमने पहले से ही तैयार किया हुआ है, लेकिन बचेंगे तब जब लोग उस एंटीडोट की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। एक ही झटके में अरबों खरबों का मुनाफा। और सर, ये एंटीडोट है कहाँ? ये सिर्फ बॉस जानते हैं। तुम अभी विमला को लेकर जाओ। सर, विमला के साथ एक नई औरत भी आई है, न्यू एडमिशन है, उसे भी ले आते। वायरस कहाँ रखा है? था जिद्दी किद है, सूंघती हुई यहां तक जरूर आएगी, पर अब कुछ नहीं कर सकती। हम इसे कुछ करने ही नहीं देंगे। महाराज साहब, अब आप काफी समय के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाने से पहले या किसी और को बेचने से पहले हम चाहते हैं कि इस जमीन का सौदा आज ही हो जाए। पर सिंह साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस जमीन को खरीदने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप जब चाहें, जहां चाहें, जितनी चाहें उतनी जमीनें खरीद सकते हैं। फिर इस जमीन में ऐसा क्या है जो आप हर हालत में हर कीमत पर ये जमीन खरीदना चाहते हैं? क्या है मेरे साहब कि ये वो जगह है जहां हम पहली बार अपनी बच्ची हसीना से मिले थे। बहुत पहले जमीन पर एक बाग हुआ करता था। पिता का साया उठ जाने के बाद उस बाग की देखभाल हसीना किया करती थी।
और उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते उससे वो अपना और अपनी अम्मी का पेट पालती थी। दिन भर बाग की सिंचाई करती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। उसे देखते ही हम समझ गए थे कि इस जन्म में ना सही मगर किसी ना किसी जन्म में हम उसके बाप जरूर रहे होंगे। मेरा साहब, हम वो जमीन खरीद कर वहां पर गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस स्कूल का नाम हमारी बच्ची हसीना के नाम पर हो और शादी के तोहफे में हम उसे वो स्कूल उपहार के रूप में देना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में सरप्राइज गिफ्ट? अब तो आप समझ गए होंगे कि वो स्कूल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर आप वो जमीन का सौदा हमसे कर ले तो हम जल्द से जल्द वहां स्कूल का काम शुरू करवा सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी। अरे महिपाल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आप सच में बहुत ऊंचे इंसान हैं और आपकी बेटी हसीना बहुत ही भाग्यशाली है जिसे आप जैसे महापुरुष की छत्र छाया मिली है। मेरे साहब, बेटी का पिता होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है और हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें हसीना जैसी बच्ची मिली है। अगर ये निर्दोष है तो फिर सबके पीछे कौन है? इसे हमारे प्लान का पता लग गया है, क्या करना है इसका? मार दो। करिश्मा सिंह का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अब वो आपने नहीं कहीं देखा? मैंने वो नहीं देखा इनको। पुष्पा जी, आप इनसे पूछिए, मैं वहां पर पूछता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ देखा है? सॉरी सर। भैया भैया भैया, इनको कहीं देखे हैं आप? इधर भी कहीं ऐसे घूमते हुए या फिर कहीं भी? नहीं नहीं, सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्हें एक मिनट सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है आपने? अरे ये तो कमला है, अभी तो यही कही थी। आप पक्का इनके ही बारे में बोल रही हैं? जी जी, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, ये कमला ही है। तो फिर वो कहाँ चली गई? यही कहीं होंगी, आप देखिए। अच्छा, हेलो मैडम सर। मैडम सर, करिश्मा मैडम का लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का दिखा रहा है। हमने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को हैक किया है, उसमें से एक भी कैमरे में से करिश्मा मैडम बाहर जाते वक्त कैप्चर नहीं। उसके बाद से करिश्मा मैडम का फोन ही ट्रेस नहीं हो रहा है। दत्ता जी के बारे में पता लगाओ, वो कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। जी मैडम सर। सॉरी, आपने अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहरी लोगों का आना मना है। देखिए, हमें जाने दीजिए वरना पूरा अस्पताल जेल में होगा। हम डीएसपी हैं। सर, हमें ऊपर से उड़ रहे हैं। रुके, आप हमारे अस्पताल में कैसे? देखिए महिपाल जी, ऐसा है कि आपके अस्पताल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए हमारे एक ऑफिसर एसआई करिश्मा सिंह यहाँ आई थी, जो अभी गायब है। मिलनी चाहिए वो हमें महिपाल सिंह जी, सही सलामत, जितनी जल्दी हो सके।
क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो प्रलय मचा देंगे हम यहाँ बता रहे हैं। वो अफसर हमारी बहन है। हमें लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब और लाचार गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है, साजिश नहीं। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप बेशक अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। एक काम करते हैं, मैं ही आपको दिखा देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। प्लीज। तसल्ली हो गई? यहाँ और कुछ बाकी है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है। देखिए, अभी यहाँ हमारे मरीज आराम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए तो अच्छा है। क्या वो कुछ पता चला मैडम का? अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे अपने। हे भोलेनाथ, हमारी बहू रानी जहाँ कहीं भी हो ना, तो सुरक्षित हो, सही सलामत हो। हेलो मैडम सर, मैडम सर दत्ता के भी लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का ही दिखा रहा है, और उसके बाद दत्ता का भी फोन स्विच ऑफ है, और अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा है। अच्छा ठीक है, दत्ता जी के आपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ देखें। रिकॉर्ड्स कॉल को, उसमें लास्ट कॉल किसका है? लास्ट कॉल, कॉल हिस्ट्री के हिसाब से मैडम सर दत्ता एक ही नंबर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है, और उसी पे सबसे ज्यादा कॉल कर रहा है। किसका नंबर है वो? नंबर प्राइवेट है मैडम सर, नाम नहीं है। आप हमें नंबर भेजिए जल्दी। जी जी, मैं भेज रही हूँ। सामने तो थी पर दिखाई नहीं दी। हाँ होता है ऐसे कभी कभी, ध्यान कहीं और होता है ना, तो हो जाता है। कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ एक जरूरी काम आ गया इसलिए वापस जा रही हूँ। क्या हुआ, परेशान से लग रहे हो? हाँ, हमारी एक कलीग है वो अचानक से गायब हो गई है, ऐसा है करिश्मा सिंह। अच्छा, ओ कलीग तो मतलब पुलिस वाली ना? आम आदमी को गायब होते हुए तो सुना था, पुलिस वाली भी गायब होने लग गए आजकल। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। मतलब भरे अस्पताल में, इतनी भीड़ भाड़ में गुंडे बदमाश एक पुलिस वाली को उठा के ले गए। अरे बाप रे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ तुम्हारे पापा की ना बहुत इज्जत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत मानते हैं उन्हें, वो तुम्हारी कुलीग को ढूंढ के ले आएंगे। हाँ आपको कैसे पता कि वो अस्पताल से गायब हुई है? हमें अभी, तुमने तो बताया हमें अभी। नहीं हमने तो नहीं बताया। नहीं तुम्ही ने बताया हमें अभी। तुम कहाँ है करिश्मा सिंह? क्या बोल रही हो तुम? हमें कैसे पता होगा कि गेंदा? अब ये नाटक बंद करो, हम अच्छे से जानते हैं कि इस सब के पीछे तुम हो, इसलिए जो खेल खेलना है सामने से खेलो, बहुत हो गई छुपन छुपाई। कहाँ है करिश्मा सिंह? कहाँ है करिश्मा सिंह? बादलों में, मार दिया हमने उसे। वो क्या है ना, हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई थी वो, इसलिए हमने मार दिया उसे। और अब
बेटा सफाई कर रहे थे, सफाई सफाई किचन देखो ना कितना गंदा हो गया। तुम आप भी उन झगड़ा कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो झगड़ा कहाँ कर रहे थे हम? झूठ, हसीना दीदी को चोट लगी है, आप भी उन झगड़ा ही कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब से नो झगड़ा, प्रॉमिस है ना छोटी माँ? आज से हम दोस्त हैं, नो झगड़ा। ये आपने क्या किया छोटी माँ? वो बहुत बुरी औरत थी, वो आपकी छोटी माँ को मारना चाहती थी, इसलिए इससे पहले कि वो हमें मारे उसे मार दिया। आप ये किसी से कह नहीं सकती। हाँ इधर देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। यहां जो भी हुआ है वो तुम किसी से कह नहीं सकती, समझी? भूल जाओ ये सब, जाओ जाओ। बहुत कुछ जान चुकी हो तुम हमारे बारे में, करिश्मा सिंह के जैसे तुम्हें भी मरना होगा। सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा। ऐसा मौत का खेल होगा ना कि सदियों तक याद रखेगी दुनिया। कुछ करना होगा हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैडम सर आप समझ रही है ना बात? हमें जल्द कुछ कैसे है आप लोग? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस शहर को बचा सकती हो? हसीना, हसीना मलिक, हमें तो लगा था कि तुम बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार महिला हो, पर तुमने हमें ना उम्मीद किया। इस तबाही को अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इस वायरस की चपेट में सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश आएगा। चारों तरफ सिर्फ मातम ही मातम होगा, चीखना चिल्लाना, मौत लाशें। तब आएंगे हम एंटीडोट लेकर और बन जाएंगे इस पूरे शहर के भगवान। कितने लकी होंगे ना ये लोग ये सब देखने के लिए, जिंदा ही नहीं होंगे। Thank you.
कन्हैया के साथ चिल्लाओ 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 जितना चिल्ला सकती हो अभी ही चिल्ला लो, निकालो अपने अंदर की भड़ास निकालो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना उसके बाद तुम कुछ नहीं बोल पाओगी, क्योंकि बम 10 मिनट में तो ब्लास्ट होगा ही, पर अगर किसी से मदद की गुहार या फिर भागने की कोशिश की तो जरा सी ऊंची आवाज ये बम के सेंसर्स ना कर पाएंगे बर्दाश्त और हो जाएगा। वाह, एक बात पता तो होनी चाहिए कि ये बम फटेगा कितनी आवाज पे? इतनी आवाज पे भी फट सकता है, देखना चाहते हो? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। चीता, सारे कमरों की तलाशी लो, जल्दी जाओ। क्या हुआ ये? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? बाहर से आए हैं ना? ये लीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कर लीजिएगा। सैनिटाइजर बाद में यूज़ करेंगे, पहले ये बताइए कि क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है? अब क्या हुआ? क्या बात? सर, क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है? हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं सर। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक वो गायब हो गई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पहले करिश्मा मैडम, अब हसीना मैडम, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। सर, अगर आप जानते हैं हसीना जी कहाँ है तो प्लीज हमें बता दीजिए सर। एक सेकंड, वो तो गई हुई है अपने शहर लखनऊ। आपको कैसे पता? क्योंकि वो आई थी हमें बताने के लिए, आई थी अभी कुछ घंटे पहले हमारे कमरे में हमसे कहने कि जा रहे हैं, तो बस आपसे टाटा बाय बाय करने आए हैं हम। हाँ, पर थोड़ी सी परेशान जरूर लग रही थी, हमने तो पूछा कि क्या हुआ है पर कुछ कहा नहीं उसने हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता, हो हमें बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकती है। हो नहीं सकता मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम झूठ कह रहे हैं आपसे? अच्छा, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक सेकंड रुकिए आप। मानसी जी। छोटी माँ। बताओ बेटा, इन्हें ये तुम्हारी छोटी माँ पे शक कर रहे हैं।
बताइए जरा इन्हें कि तुम्हारी दीदी वो आई थी ना हमारे कमरे में, आई थी ना हमसे कहने कि वो जा रही है। छोटी माँ सच कह रही है, हसीना दीदी आई थी और बोल के चली गई कि वो वापस जा रही है। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। या हमको किसी पर भी भरोसा नहीं है। दत्ता, दत्ता कहाँ है सर? इस सारे फसाद की जड़ वही है, उसे पता होगा कि हसीना जी के साथ क्या हुआ है। कहाँ दत्ता, कहाँ है सर? बहुत हुआ डीएसपी अनुभव सिंह, बहुत हुई तुम्हारी पुलिस की अथॉस। तुम्हें परिवार का सदस्य समझकर अब तक सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, मगर तुम हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे ही घर वालों से अनाप शनाप बोले जा रहे हो। क्यों जाएंगे ये सब हसीना के खिलाफ? आप समझ नहीं समझ रहे। आप नहीं रहे डीएसपी अनुभव सिंह कि आप इस समय कहाँ खड़े हैं और किसके परिवार वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सर दरअसल बात ये है कि जितना बर्दाश्त करना था कर चुके, अब हमारे बर्दाश्त को और ना आजमाएं आप। बेहतर है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाए, वरना हमारे एक इशारे पर आप सबको इस इलाके से उठाकर फेंक दिया जाएगा। जाइए। सर को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन उन प्रेग्नेंट औरतों का क्या जिन पे हम टेस्ट करने वाले हैं? ठीक है तो फिर बाहर में गया टेस्ट, अब डायरेक्ट अटैक होगा। हम आज ही पानी की सप्लाई में वायरस को रिलीज करवा देंगे, अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। मैडम अगर वायरस की चपेट में हम आ गए तो? आप टेंशन क्यों लेते हैं दत्ता जी, एंटीडोट है हमारे पास। थोड़ी सी सावधानी मतलब ना परेशानी, इसी बात पे देता ली ताली। एंटीडोट है कहाँ पर? वही जहाँ उसे होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब आप जाइए, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी कीजिए। जी मैडम। हम पहुँचते हैं वहाँ पर। जी मैडम। फिर इस वायरस को उस वॉर हेड में इंजेक्ट कीजिए और फिर इसे मिसाइल में फिट कीजिए। मैडम मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम आपके हाथों से हो। ठीक है। तो
जो जहां है वहीं रहे, वरना हम गोली चला देंगे। हम जानते थे आप झूठ बोल रही थी। अगर हम चाहते तो उसी वक्त आपको हथकड़ी पहना सकते थे, लेकिन नहीं। अगर हम आपको बंदी बना देते तो आपका पीछा करके इन सब तक कैसे पहुंचते? सारे चूहे एक साथ चूहेदानी में जाने चाहिए ना। चलो, जल्दी भी क्या है। देखिए, शिकारी जब शिकार करता है ना, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा तीर अपने पास संभाल के रखता है। कैसी लगी? बहुत जोर से है ना। चलो, अब अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये की ना आपने सही बात। अब अगर आपने या आपके किसी भी आदमी ने हमारे काम में किसी भी तरीके की दखलंदाजी करने की कोशिश की, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसके साथ क्या करेंगे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है छोटी माँ? चुप रह। कोई मावा नहीं है हम तुम्हारी। तुम तो सिर्फ जरिया थी तुम्हारे डैडी की दौलत तक पहुंचने का। अब हम बनेंगे इस पूरे देश की सबसे अमीर औरत। और ऐसा करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। चलिए, अब इस वायरस को इस वॉरहेड में डालने का काम शुरू करते हैं। जी मैडम। ये वायरस मुझे दे दो। देखो, ये गोली निशाने पे है और हमारा निशाना कभी चूकता नहीं। उड़ा देंगे हम तुम्हारी खोपड़ी। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए, हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है। सबसे पहले, सबसे आगे अपना देश।
क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने? पुष्पा जी, और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम ये नहीं करते तो बहुत सारे मासूम जाने चली जाती। तुम्हारी तो बताओ, बताओ हमें एंटीडोट की तरह, अभी क्या अभी बताओ, नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे यहाँ पे तुमको। जो करना चाहती हो कर लो, नहीं बताएंगे। नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? प्लीज मेरी छोटी माँ को छोड़ दीजिए, मुझे पता है एंटीडोट कहाँ रखा है। तुमको पता है कहाँ रखा है? कहाँ रखा है बताओ हमको, कहाँ रखा है? घर पे। घर में? मैंने इनकी और दत्त अंकल की सारी बातें सुनी थी। एंटीडोट है कहाँ पर? वही जहाँ से होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब जाओ, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी करो। जी मैडम। घर में? घर में कहाँ बेटा? बेटा जल्दी बताओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बेटा बताओ, घर पे कहाँ रखा है? नहीं पता, बस घर पे ही रखा है एंटीडोट कहीं। बताओगी? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो एंटीडोट कहाँ है। ढूंढना चाहते हो ना? हाँ ढूंढना चाहती हो, जाओ 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 जाओ, ढूंढो ढूंढो। पर क्या तुम्हारी हसीना मैडम के पास इतना वक्त है? जैसे ये बेहोश हुई ना, ये तो गई। जाओ जाओ जाओ, बचा लो, पर तुम्हारी हसीना मैडम नहीं बचेगी। मैडम सर, आपको बेहोश नहीं होना है। मैडम सर, मैडम सर, बस बस जा रही है अब। तुम्हारी करिश्मा सिंह, नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इससे पहले कि देर हो जाए मैं हसीना जी को महिपाल जी के घर तक लेकर जाना होगा। चिता, हेडक्वार्टर्स को सूचित कीजिए, फोर्स बुलवाइए और इन्हें गिरफ्तार कीजिए। और अगर इन लोगों ने भागने की कोशिश की तो यार शूट कर दस पे ऑर्डर। चलो करिश्मा सिंह, लेट्स गो, कम ऑन। मैडम सर, बस होश में रहिए मैडम सर, बस आप पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट और। हाँ होश में रहिए आप सर, जरा जल्दी कीजिए। मैडम सर आके खुली रखिए, बस बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। नहीं उनको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप बस आके खुली रखिए। आप मैडम सर, नहीं 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 नहीं, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए, प्लीज होश में रहिए, बस 5 मिनट का बात है मैडम सर। नहीं नहीं नहीं, उनको सोने मत देना, सोने मत देना। नहीं बिल्कुल नहीं सोना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सोना, आपको होश में रहना, आपको होश में रहना। हट जाइए, हट जाइए, आपको होश में रहना, आपको होश में। हसीना, हसीना, क्या हुआ इसे? सर हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों? आप हमारा भरोसा कीजिए मानसी, तुम अपने पापा को सारा बात बताओ। हाँ हाँ बताओ। चलो 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 चलो, चलिए सर चलिए बताओ। क्या हुआ बेटा? आराम से आराम से, आप रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगे एंटीडोट लेने, हम जाएंगे, आप हसीना जी के पास लेके। और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगे। हाँ। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। ठीक है, चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम सर, मैडम सर देखिए, आपको ना आपको होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ रही ना आप हमारी बात को? अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हमें आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हाँ आपके साथ खड़े। आप रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी एंटीडोट लेने, हम जाएंगे, आप हसीना जी के पास लेके। और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगे। हाँ। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। ठीक है, चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम सर, मैडम सर देखिए, आपको ना आपको होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ रही ना आप हमारी बात को? अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हमें आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हाँ आपके साथ खड़े। क्या ये सब कुछ गेंदा ने किया? जी सर,
सारे फसाद की जड़ गेंदा जी है, लेकिन वो सब बाद में। आप पहले अपना सेफ खोलिए सर, प्लीज। सेफ सर प्लीज, वक्त बहुत कम है। बेटा आप ये रुके माते, हमारे आंखों में आके देखिए, हम आंखों में आके डाल के हमसे बात कीजिए। हमें ये बताइए, आप अनु भैया से प्यार करती है ना मैडम से? देखा देखा देखा, हमको पता था आप प्यार करती है, हमने देखा है। मैडम से देखिए, आप आंख बंद नहीं कर सकती, आप आंख बंद नहीं कर, आप उठिए 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 उठिए, हमसे बात कीजिए। हमने देखा है, वो आपसे प्यार करते हैं मैडम साहब, आपसे प्यार करते हैं। हम अम्मा जी से बात करेंगे, आप आएंगी ना शादी करके घर पे, आएंगी ना, आप आएंगी ना शादी करके घर पे, आप आएंगी ना। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। प्लीज हमसे बात कीजिए, आप हमारी आंखों में आके देख के बात कीजिए आप, और हमें तो अभी बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं ना साथ में। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे बात कीजिए, बस आई रहे अनुभव भैया, वो एंटीडोट लेकर आ रहे, बात कीजिए हमसे। मैडम साहब, मैडम सर आपको होश में रहना, प्लीज आपको होश में रहना, आपको हमें माफ कर दीजिएगा, आपको नहीं मानना लेकिन। मैडम सर कहीं कुछ मिला आपको? नहीं पुष्पा जी, हमने भी सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर, समझ में नहीं रहा क्या करें। हे माँ, मैडम सर की रक्षा करना आप ही के हाथ में, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। पुष्पा जी थोड़ा यहाँ आइए,
मैडम सर, मैडम सर, मैं संतु। आराम से, आराम से। सर, कैसा लग रहा है आपको? देखा, हमने कहा था ना, हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं हुआ, बस अब आप थाने में आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपसे लड़े नहीं ना बहुत दिन तक, तो हमारे पेट का हाजमा खराब हो गया एकदम से। डायलॉग बाजी का भी देखिए ना, हमको मौका नहीं मिल रहा है। आप अब वापस आ जाइए तो फिर सबको लगेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है। वेलकम बैक मैडम सर, आपके साथ इतनी सारी दुआएं थी तो कैसे आपको कुछ हो सकता था? हमारे शिव जी का आशीर्वाद भी था। हम सबको ना बहुत जरूरत है आपका मैडम सर, हम सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। आप ऐसे करके ना हम सब लोग को मतलब ऐसे डरा ही दी थी, एकदम जान निकल गया था हम लोग। हमने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पुण्य किए थे कि इस जन्म में हमें ऐसी बेटी मिली जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर न जाने कितनी बेगुनाह जाने बचाई है। हमें ना सा जो कुछ भी इसने किया है, और हिंदा ने जो किया उसके लिए हम उतना ही शर्मिंदा हैं। खैर, अगले महीने हम अपने स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्कूल का नाम हमने अपनी बेटी हसीना के नाम पे रखा है, जहां हम गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे, और उस शिक्षा के मंदिर से करिश्मा और हसीना जैसी कई लड़कियां निकलकर इस देश का नाम रोशन करेंगी। दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू मानसी। आप सबके लिए हसीना जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। आप जैसी बहादुर और निडर ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। थैंक यू सर। अमा, हमने तो पहले ही कहा था, अनु भैया में इतना भी कोई क्वालिटी नहीं है जो मैडम सर अपने होने वाले पति में ढूंढ रही है। अब सबकी अकल से पर्दा हट गया। हाँ, अगर जो भी हो, डीएसपी सर के मिशन वाले प्लान की वजह से मैडम सर का दिल टूट गया है, और वो उनके चेहरे पे साफ नजर भी आता है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैडम सर का दिल टूटा है, कहीं शराब पीना ना शुरू कर दे वो। नहीं संतु, शराब काहे पिएंगी मैडम सर? नहीं, मैं जानती हूँ, जिन लोगों का दिल टूटता है ना, वो अक्सर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तुमको सब पता है? हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे ना एक दूर के चाचा जी थे, ब्रेकअप होने के बाद से ना पास के ठेके से शराब पी कर ना दूर दूर नदी नाला से समेटे जाते थे ऊपर। देखा मैडम, यहाँ आसपास कितने सारे नदी और नाले हैं, मैडम सर को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। मैडम, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं भी आता है ना, वो दो तीन पैग के बाद से ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश बोलने लगता है। क्या पुष्पा जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, पुष्पा जी को ना पता होगा कि कभी कभी घर में अंग्रेजी बोल देती है, एक दो लाइन दारू पी के बोलती होंगी और का। एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब हम तभी अंग्रेजी बोलते हैं जब हम लगा लेते हैं? बिना लगाए इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं क्या पुष्पा जी? वेट वेट, आई टेल वेरी मच इंग्लिश प्रॉपर। ऐसे नहीं लग रहा अंग्रेजी नहीं दो चार लगा लियो आज। बाहर निकलिए आज तो मम्मी, इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। हाय मैया की सासू मैया, क्या चल रहा है ये सब? हाँ मैडम, क्या ये थाना है आपका घर का? किचन नहीं है जो आप उठा के ले आई है यहाँ पे? पूरा किचन हमारा डब्बा जो यहाँ आ गया, पति है ये हमारे। अरे क्या मेरा, क्या तुम्हारा, सारे संसार है सबका। दारू अभी तक चल रही है, चखना खत्म हो गया कब का। बाप रे, तो जहरीला शायर है। अरे बीवी, दारू हमने पी है और ये तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, पकड़ो अच्छे से मारो। अम्मा, ये थाना है आपका घर नहीं है जो आप खुले हम अपना पति को ऐसा पीट रही हैं। बताएंगी मैटर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बताएंगे मैटर मैडम,
जरा दो गज की दूरी तो बनाएं आप। सोशल डिस्टेंसिंग, हम जब भी दारू लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो दो गज की दूरी बना के रखते हैं। चुप। बताइए अब मैटर कहाँ है? हाँ तो मैडम, मैटर ये है कि ये हैं हमारे पतिदेव अशोक। इनके पिताजी ने इनको विरासत में 25 दुकानें दी थी, 5 बेचकर सारा का सारा पैसा इन्होंने दारू में उड़ा दिया। अच्छा, तो मतलब अभी 20 दुकानें बची है बेचने के लिए। अरे मैडम, आप एकदम अपने वाली हो। नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना, तो जो लॉजिक होता ना लॉजिक, उनसे इन्होंने ना दो गज का दूरी बना लिया था जो अभी तक बना हुआ है। अरे हम आपको बताते हैं, ये हमारा खून पीती है और हम पीते हैं दारू। If I respect her choice, she should respect my choice, ना? अरे बाप रे बाप, इसका अंग्रेजी भी एक खंभा डाउन है। इनकी एक और चॉइस बताएं आपको, ये बिस्तर पे सोना चूज नहीं करते हैं, कभी गली में कभी नाले में पड़े हुए मिलते हैं ये हमको। आज सुबह गली के कुत्ते के माथे को चूम चूम कर कह रहे थे, करीमा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा, तो कुत्ते का नाम गरिमा होगा? गरिमा हमारा नाम है। ओ अरे मैडम, आप तो एकदम अपने वाली हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि जानवर में भी हमको इन्हीं का चेहरा नजर आता है, लेकिन इनको हमारे अंदर जानवर नजर आता है। तू कितनी खूबसूरत है मेरी नजरों से देख। चना खत्म हो गया, जाकर जल्दी जल्दी पापड़ सेक। मैडम, गरिमा जी, आपको ना पूरा हक है कि आप अपने शराबी पति को ना मारे। हम कहते हैं इतना मारे कि सब शराबी पतियों को पता चले कि शराब कितना गलत चीज है, पूरा जिंदगी खराब कर देता है। चीते, एक लॉकअप खोलो, खोलो, खोलिए 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 इसको। एक मिनट का, जल्दी खोलो। मैडम, इसमें ये वाला ताला का चाबी तो है ही नहीं। चाबी नहीं है का काम मतलब है? चाबी कहाँ? चाबी तो ये रही। देखो जल्दी से चाबी दो, वरना जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहोगे। हाँ वेरी गुड, लेकिन रोज शाम को हमको लिटिल लिटिल देते रहना, ठीक है? देखो ऐसा है, जब तक तुम्हारा बीवी तुमको पीट रहा है ना, तो पिट जाओ, नहीं तो हम पीटने पे आ जाएंगे ना, तो ये जो सब ताले है ना बिना चाबी के खुल जाएंगे, समझ रहे हमारी बात को? चाबी चाहिए? हाँ चाहिए, ये लो। चाबी निकल गई यार, गजब की आदमी हो यार तुम। हाँ, सरकारी ताला का इकलौता चाबी निकल गया इंसान। अरे यार, अपने पत्नी से बचने के लिए चाबी निकल गया जी। अब चाबी कैसे मिलेगी? सुबह में जब इसका पर्सनल ताला खुलेगा ना, तभी ताला खुल पाएगा, हम लोग समझ तो रही है ना? नहीं, अरे क्या नहीं, कल सुबह जब मैडम हम समझा देंगे फोन करके उनको। करीमा जी, आप प्लीज हमारे साथ आइए, आइए। चलिए चलिए। थोड़ा सा प्याज टमाटर मिर्ची हो जाता ना मसाला डाल के, तो चाबी का टेस्ट आ जाता। देखो करीमा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम तुम्हारे पति का ये दारू का लत छुड़वा दें? हाँ मैडम, लेकिन मैडम इस आदमी में दारू इस तरह भरी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देंगे, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। मैडम प्लीज, कैसे भी करके कुछ भी करिए, लेकिन हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो तुम एक काम करो, अपने पति को 2-4 दिन के लिए लॉकअप में छोड़ो, हम ये जो दारू का लत है ना उसको ये छुड़वा देंगे। पक्का? हाँ पक्का। मैडम अगर आप सच में ऐसा कर पाई ना, तो हम आपकी फोटो बना के उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, हम उस पर धूप चढ़ाएंगे और रोज आपकी पूजा करेंगे मैडम, सच में। सॉरी, हमारा मतलब है भगवान की फोटो पे फूल चढ़ाएंगे। वो क्या है ना मैडम, घर का माहौल बहुत खराब रहता है इनके नशे की वजह से, हमारा एक छोटा बेटा भी है, सोचिए ना क्या असर पड़ता होगा उस पर। समझ रहे तुम्हारा घर का हालत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, हम ये दारू का लतना छुड़वाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।
एक आदमी हमारे थाने में आया, खुद को लॉकअप में बंद कर दिया, चाबी निगल गया। आप लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? अरे गप्पे मार रहे थे मैडम। चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैडम सर, हम आपके और डीएसपी सर के बारे में बातें कर रहे थे। वो मतलब ये कि कैसे एन वक्त पे डीएसपी सर ने एंटीडोट लाके आपकी जान बचाई, वो ऐसी आ रही थी संतु। मैडम सर नहीं, वो ये जो शराबी है ना, इसका शराब का लत हम छुड़वा देंगे। अच्छा, कैसे? कोई तरकीब है आपके पास? नहीं, इसमें तकरीब का क्या जरूरत है? मैडम, तरकीब? हाँ संतु, हम तकरीब ही बोले। तरकीब? पुष्पा जी, आप ढंग से नहीं सुने हैं, हम भी तकरीब ही बोल रहे हैं। मैडम सर, इसमें तकरीब का कोई जरूरत नहीं है। लॉकअप में रखेंगे 3-4 दिन ना, बिना दारू के तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर पुलिस का इतना डर बना देंगे ना इसके अंदर कि उस शराब से कभी ग्लास नहीं भर पाएगा ये शराबी। करिश्मा सिंह, उस शराबी की शराब की आदत छुड़वाना उतना ही मुश्किल है जितना आपका लात घूसे की आदत छुड़वाना है। बिल्कुल सही मैडम सर। हमें लगता है इसका एक ही ऑप्शन है, काउंसलिंग। उसे समझाना होगा कि शराब कितनी खराब चीज है, उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और वो काम उसे यहाँ रखकर नहीं हो सकता। उसे लॉकअप में रखने का कोई फायदा नहीं। अरे जल्दी खोलो, हमको जाना है। अरे हमको बाहर जाना है, टॉयलेट निकालो। ए, क्या बोल रहे हो बे? अरे हमारा मतलब है हमको बाहर निकालिए, हमको टॉयलेट जाना है। शराब पीने के बाद इतना घटिया घटिया थर्ड क्लास शायरी सोच लेते हो। ये चीज अगर पहले सोचे होते तभी कहीं बैठ के सोच कर रहे होते तुम बेटा। अरे मैडम सर, हमको बाहर निकालिए, टॉयलेट जाना है। अब क्या किया जाए? आज हमें बिल्ले की बहुत याद आ रही है। पुष्पा जी, टॉयलेट से सीधा आपको बिल्ला का याद आ गया? क्या रिश्ता है दोनों का? नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब ये कि अगर आज बिल्ला यहाँ होता ना तो हमें इस मुसीबत से तुरंत छुटकारा मिल गया होता। और हम चले आते। ये क्या हो गया तुमको बिल्लू? What happened? अरे बिल्लू जी, आपका जो वो ऑल इंडिया चोर कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था, खत्म हो गया? यस यस, खत्म हो गया, और मुझे उसमें ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। मुझे ईयर ऑफ द चोर अवार्ड मिला है। हाँ हाँ, यही मिला है, ये देखो, ये वाला। यस, सो All everybody is my chore community. वहाँ मैंने ऐसा speech दिया था, winning speech. पहले तो मैं अपने co-chore को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरा जज्बा बढ़ाया है। मैडम सर, जिन्होंने मुझे हमेशा घटिया, निकम्मा, नाकारा समझा, उसी के चलते मुझे अपने थाने में अपना बिल्लू निवास बनाने के लिए दिया है, तो उनका धन्यवाद। You can't believe, मुझे और एक पुरस्कार से नवाजा गया है। हाँ भाई रुकना, बताता हूँ उसका नाम। उसका नाम है हैंडसम चोर। ज्यूरी ने मेरा हेयर स्टाइल और मेरा स्माइल देखकर मुझे अवार्ड दिया, ये छोटू सा। हो गया, हटाओ अभी, हटाओ ये सब, हटाओ, रखो ये चीज़, रखो। आराम से, मेरा अवार्ड है, आराम से, ठीक से। हाँ ठीक है, रख दिया। अब ये अपनी अकल का प्रदर्शन बाद में करना, पहले अपनी कला का प्रदर्शन तो करो। ये ताला खोलो। ओ पुष्पा जी, ये तो मैं खोल दूंगा, लेकिन हमारे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में तय हुआ है कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं करनी है। अगर ये ताला मैं खोल देता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ देंगे ना, हम देंगे। अरे भैया, आप जो बोलोगे मैं सब दे दूंगा, तो पहले ये ताला तोड़ दूंगा। अगर अंदर के ताले टूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वही गड़बड़ दे होगी, लेकिन आप मुझे पक्का दे दोगे ना? अरे दे दूंगा। देखो, हाँ, तो मुझे अपने इस लॉकअप के लिए अच्छे से मैट्रेस चाहिए। अरे दिए, ये दिए। पक्का? पक्का। लॉक करूँ? अरे करो नहीं, लॉक खोलो। हाँ खुलता हूँ, खुलता हूँ। संतोष जी, यू मे पिन दे दो। ये लो।
थैंक यू पुष्पा जी। अरे जल्दी करो भाई। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जल्दी करो भाई। देखो भाई ये ताला जब तक नहीं खुलता ना तुम एक काम करो वहां जाओ और सर नीचे पैर ऊपर मतलब दिशा बदल जाएगी ना तो अंदरूनी जल वायु परावर्तित हो जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ का मौसम बदल जाएगा। अब ठीक है आप? हाँ अच्छा लग रहा है। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? देखिए अशोक जी हम आपसे आपकी शराब की लत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए हमें आप कितनी पीते हैं शराब? ज्यादा नहीं एक आध बार। हफ्ते में? ना ना दिन में फिर रात में फिर दिन में फिर रात दिन और दिन रात बस। हाँ लेकिन नाश्ते में हमेशा अवॉइड करते हैं। हाँ ऐसा क्यों? अरे ठेके तक भी तो जाना होता है ना। कहीं रास्ते में लुढ़क गए तो इज्जत खराब हो जाती है ना है? अच्छा और एक बात बताइए हमें आप कब से पी रहे हैं शराब? कब से? आज शाम 6 बजे से प्लान है रात तक। वो क्या है ना जैसे सन डाउन होता है ना हम थोड़ा अप हो जाते हैं। नहीं नहीं हाँ? हम ऐसे नहीं पूछ रहे मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कब से पी रहे हैं शराब? अच्छा कब से? जब बच्चन साहब की फिल्म आई थी ना शराबी तब से he inspired me a lot। एक मिनट 1980 आप तब से शराब पी रहे हैं? ए यार पैदा होने के सीधा बाद दूध के बोतल में दारू भर के पी गए थे क्या तुम? अरे नहीं नहीं क्या है कि 2010 में ये शराबी फिल्म टीवी पे आई थी बस तभी से हमने पीना शुरू कर दिया। हम भी 10 दिन पहले टीवी पे देख रहे थे मर्डर। नहीं बस बता रहे हैं हम। अरे तुम भी तो पीते हो? फालतू इल्जाम है। क्या क्या पीते? हमने पीते? अरे हमने टीवी में देखा चीता भी पीता है इसीलिए हम तुमसे पूछे कि तुम भी तो पीते हो। जोक। ऐसे हम अपने मजे के लिए पीते हैं। अच्छा तुम्हारे लिए जो मजा है वो तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी बड़ी सजा है तुम जानते हो? अरे हरगिज नहीं है मैडम। देखिए क्या है कि हम पी रहे हैं लगातार 10 साल से लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा ना कभी गाली गलौज की और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। और जो तुम्हारा बीवी तुम्हें नाले गटर से उठाकर लाती है उसका क्या? अरे तो काहे उठा के लाती है हमको ये बताइए। आपको पता है हर शराबी का एक कम्फर्ट जोन होता है भाई हम अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से कहीं भी गिरे पड़े किसी को क्या मतलब है? हम अपनी पत्नी को कितनी बार समझाया कि हम जब गिरे होते हैं तो हमको ना उठाएं लेकिन वो मानती नहीं है। अब आप बताइए हम क्या करें? कहा था मैडम सर को लातों की भूत बातों से नहीं मानते अब इसका इलाज तो लातों से ही करना होगा। देखिए कहा है कि हम पी रहे हैं 10 साल से लगातार लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा ना कभी गाली गलौज की और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। सुनो ज्यादा बकैती मत करो समझ गए? इतना दारू पियोगे ना तो अशोक से मुकेश बनने में तुमको देर नहीं लगेगा बता रहे हैं। कौन मुकेश? अरे वो सिनेमा देखने जाते हो तो हीरो से पहले आता है ना वो काकड़ा सा इंसान कहते मेरा नाम मुकेश है मैं 4 साल से बीड़ी पिया मेरी ये हालत है वही वाला मुकेश। हे तो कोई भी मूवी शुरू होने से पहले ना तुम ये बोलते हुए पाए जाओगे कि मेरा नाम अशोक है हम 25 दुकान बीवी का हाथ का सूड़ी बेच दिया था रूपी थे यही सब बोलोगे तुम। देखो अशोक बात समझो अगर तुम इतनी शराब पियोगे तो एकदम तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा और लिवर खराब होने के बाद तुम जिंदा तो बचोगे नहीं। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा तुमने कभी सोचा है? क्या हुआ? रुके रुके बताते ये देखिए
ये है हमारा लीवर का रिपोर्ट। हम कहा है कि हर महीने हम जाके हॉस्पिटल में अपना लीवर चेक करवाते हैं ताकि हम सुकून से पी सकें, समझे? इतना दारू पियोगे ना तुम रोज तो गाड़ी के नीचे आके मरमुरा जाओगे, इसलिए कह रहे हैं सुधर जाओ तुम, वरना हम सुधारने पे आएंगे ना तो दारू की जगह पानी भी नहीं पी पाओगे। एक मिनट मैडम, आप होते कौन है हमारे और हमारी शराब के बीच में आने वाले? हम अपने पैसों की पीते हैं, आप सबके पैसों की नहीं पीते हैं, समझे? और ये किसी भी एंगल से गैर कानूनी नहीं है, ये पुलिस का धौंस है ना, हमें मत दिखाइए। अशोक रिलैक्स, बैठ कर बात करते हैं। हाँ, बैठे। अशोक, अशोक भाई, हमने कहा था ऐसे लोगों को समझाने का मतलब है पत्थर पर सर मारना है, जब तक इनको पत्थर नहीं पड़ते ना ये लोग नहीं समझते। आप ना ये केस हमें अपने तरीके से सुलटाने दीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि हम इसका दारू छुड़वा कर रहेंगे। करिश्मा सिंह, ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून के दायरे में रहकर करना, वरना हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, डीएसपी सर का फोन आया था, आपको ऑफिस बुलाया है। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने बुलाया? जी। ये वो उपहार हैं जो आपने हमें दिए थे, आप इन्हें वापस ले लीजिए, और अगर आप चाहती हैं तो दुकान वालों को वापस भी कर सकती हैं। हम फिर से क्षमा चाहते हैं हसीना जी, हमने जो कुछ भी किया अपने कर्म और अपने धर्म के लिए किया। क्या करते हैं एजेंट जो ठहरे, प्यार करने की अनुमति नहीं है हमें। इट्स ओके सर, हम समझते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हसीना जी, जी सर, चाय पियेंगी आप? नो सर, थैंक यू। एक कड़क चाय बोलिएगा, और हाँ हसीना जी ये चाबी भूल गई है, उन्हें दे दीजिए। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान ही ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं हैं। प्यार इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। मैडम आपकी चाबी। यही है ना लोकेशन? मैडम लोकेशन तो यही भेजी थी उन्होंने।
दिखाई तो नहीं दे रहे हैं आपके पति देव। मैडम आस पास में कहीं नाली ढूंढनी पड़ेगी, किसी नाली गटर में ही पड़े होंगे पक्का। मतलब कहाँ से ढूंढ के लाई है आप ऐसा पति? डैडी ने ढूंढा था मैडम। डैडी को कहाँ मिल गया? ठेके पे। डैडी भी पीते थे? इसकी मैया, ढूंढो नाला ढूंढो। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, रुको नहीं है मेरे को दारू पीने से रोकने वाली, हैं? कौन होती है तू? दारू पीने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मेरी बीवी मुझे मारने से कभी नहीं थकती। ए, इधर देख, ऐसे अगर आज के बाद मेरे को दारू पीने से रोका ना, तो तेरे ऐसे कान खींचूंगा मैं कि तेरा सारा भोकाल निकल जाएगा, समझी? ए, पूरी बात सुन के जा, ऐसे कैसे जा सकती है तू? ए, करिश्मा सिंह! मैडम देख रही हैं आप इनका हाल, कैसे भी करके आप इनकी बस छुड़वा दीजिए मैडम। गरिमा तुम टेंशन मत लो, इनका दारू छुड़वाने का जिम्मेदारी है हमारा, और हम हमारा जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्ले सुनो, तुमको अब क्या करना है, ध्यान से सुनो हमारा बात। तुम दोनों अपनी जिंदगी में बिना मेहनत के कभी गाड़ी के ऊपर बैठे नहीं, तो तुम दोनों को मैं ये जिंदगी में पहला और आखिरी मौका देता हूँ गाड़ी के नीचे आने का। ये है? देखो, गाड़ी के नीचे मतलब पैसा कमाने का अच्छा इजी जरिया। ओके, तो कैसा है ये देखो, ये पिचेटो पिचेटो, ये पिछला टायर है गाड़ी का, हाँ, इसके नीचे आके ऐसे सो जाने का, और ड्राइवर आएगा सेल्फ मारेगा। हो गई, हो गई। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो गाड़ी आगे जाएगी तो चिल्लाने का, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। एकदम ड्राइवर ना बौखला जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी है, तो वो आएगा, देखेगा कौन गया कौन गया, तो ऐसे ही उसको दबोच लेने का और अस्पताल का खर्चा निकालने का, ऐसे पैसे बटोरने के। समझ में नहीं आया। बिल भाई डेमो दे दो। हाँ हाँ, डेमो डेमो। हर बात पे डेमो, ठीक है दिखाते। पीछे हटो, ये पिछला टायर है गाड़ी का, एक गज दूरी रखनी है, तो ये यहाँ पे ऐसे हम सो गए आराम से। और ड्राइवर आया, आ गया क्या? आ गया, आ गया, तो सेल्फ मारेगा, मारा ना। अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा, मर गया, मर गया, ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे क्या बिल्लू भाई, आधे डेमो उड़ गया तुम? हाँ, ये क्या बात हुई, आधा डेमो? अरे मैं पूरा डेमो देता तो पूरा ही उड़ जाता है। थैंक यू, मुझे उठाया। हाँ, मैंने कहा ना अलर्ट रहने का, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। क्या रिस्क? अरे एक बार खतरा बोल रहा हूँ। तो अभी तुम्हें ये दोनों को करना है, वो देखो वो व्हाइट कार है ना, उसके पिछले टायर में आना है तुम्हें, लेकिन डेमो आधा ही देना है, अलर्ट हाँ, रिस्क बहुत है, समझे ना? लेके जाइए इनको, ऐसे नमूने दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते। जी मैडम। दुनिया एक मोह माया है, आज मैंने नाश्ते में उपमा खाया है। गरिमा लेके जाइए इनको, लेके जाइए, चलो चलो चलो, चाबी दो। अरे चाबी दो, आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, भाई अरे पति चलाएगा, चलो बैठो। क्या कर रहे हो? अरे बैठो, इतना दरवाजा तो हमारे घर में नहीं है जितना गाड़ी में है, चलो। गाड़ी के पीछे लेट जाना, जैसे ही गाड़ी हल्का आगे ले ले तुम जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। ये क्या कर रहे हो रिवर्स में? क्यों? आज हम पीछे के रास्ते से घर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, हैंड ब्रेक तो मैंने हटाया ही नहीं।
अरे ये तो आगे जाने के बजाय रिवर्स ले रहा है। कुछ आवाज आई क्या? बिल्कुल आवाज आई। अरे आवाज आती है, आवाज जाती है। तू कितनी दुबली हो गई, क्यों नहीं कुछ खाती है? अरे बस करो। क्या लग गई लोगों को? ड्राइवर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ ड्राइवर। सो सॉरी, सो सॉरी। क्या हुआ? पुलिस भी आ गई। आपको लगी तो नहीं? मेरे दोनों भाइयों को ठोक दिया। एक मिनट अपना ये माधुरी दीक्षित बंद करो। और मरे नहीं हो जो मार डाला कर रहे हो। और तुम दारू के नशे में तुमने दो लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में तुम्हें अंदर करते हैं। चलो, ये तो हमारा टैलेंट है। चल लेके जा इसको। टूट गया, बस बस हो गया। हो गया? हाँ चलो, हो गया हो गया। फिर से आ गया हूँ यहाँ। किस्मत है कैसी, आप है एकदम कड़क बिना पानी के दारू जैसी। वाह बहुत घटिया। तो जैसा हमें शक था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। किस जुर्म में अंदर डाल रही हैं इसे? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हमने इनको अंदर किया है। और कानून का तो काम है ना, जो गलत काम करता है उसको सजा दे, तो हमने सजा दे दी है। अरे थोड़ा सा जाम ही तो लिया है, क्या गलत किया है? ए इधर आके दिखा, क्या तेरा शर्ट सिया है? मैडम इसको तो गलत शेरोशायरी के जुर्म में भी 10-12 साल का सजा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है ना, तो पेनल्टी भरवाइए और छोड़ दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है ना? हाँ साथ में चकना भी खाया होगा। अरे मैडम आप तो अपने वाली हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है मैडम सर। ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ इन्होंने दो लोगों के साथ एक्सीडेंट किया है, उनको घायल कर दिया बुरी तरीके से। इकबाल बदनाम अंदर आइए आप। देख रही है सड़क पर जा रहे थे दोनों, इन पे गाड़ी चढ़ा दिया है, इनका हालत देखिए। हाँ मैडम सर, हम तो खुद को मुर्दा समझ के 20 मिनट तक बेहोश पड़े थे। हमें आप दोनों पर और करिश्मा सिंह आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम अलग से डॉक्टर के पास ले जाकर इनका चेकअप करवाएंगे। और एक चीज सब लोग याद रखिए, जब तक हम इस थाने में कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। हाँ आप कराइए ना चेकअप, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैडम कुछ सोचा? सोच रहे मैडम, जल्दी से कुछ सोचिए गारंटी के साथ। मैडम कुछ सोचा? सोच रहे हैं। देखो भैया ऐसा है, मैडम सर ने मांग लिया असली की रिपोर्ट। रिपोर्ट में तुम लोग बचपन से फेल हो रहे हैं और माँ बाप से लात खाते रहे हैं, बताओ। मैडम इस रिपोर्ट में फेल हो जाएंगे हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। सीधा ऊपर। ठीक है तो फिर अब क्या है ना, असली में हड्डी तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैडम आपने सिर्फ नाटक करने के लिए बोला था हमें। बोला था। मैंने तेरे को पहले ही कहा था, पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। आज जो मेरा हाथ टूटा उसका जिम्मेदार तू है, तेरा हाथ जो टूटा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अरे सब कुछ हमारे हाथ में था लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। है तुम्हारे हाथ में है। क्या है? डंडे। ये डांडिया खेल इसका। अरे देखो तुम अपने आप को मार लो तो एक हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, मैंने और मैडम ने मारा ना तो 4-5 फ्रैक्चर हो जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा ना एक्सीडेंट है कि नहीं। इसीलिए तुम अपने अकल से अपने ताकत से अपने आप को मारो, एक्सीडेंट लगेगा डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलेगा, तो शुरू हो जाओ। देख इकबाल चोट बर्दाश्त नहीं मुझे। अरे इन्हीं हाथों से मैं चाय बनाकर लोगों को पिलाता हूँ, आराम से मारना भाई। तो इन्हीं हाथों से हम बाल काटते हैं और जिनके बाल नहीं होते उनकी दाढ़ी बनाते हैं। एक काम करो ऐसा मारो ना कि चोट भी लग जाए और दर्द भी ना हो। देख तेरा राइट तोड़ने का कि लेफ्ट तोड़ने का। अरे सब कुछ तोड़ेगा तेरा फायदा ना।
अबे बदनाम लेफ्ट पे प्लास्टर है तो यही तोड़ने का है ना। चल लेफ्ट राइट जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं रे। इधर थोड़ा नीचे, इधर और नीचे, इधर और नीचे। अबे हाथ खत्म हो गया पूरा। तो ठीक तो बीच में मारो, बीच में मार 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 मार। हमारे पास एक आइडिया है। मारने दो आइडिया। हाँ आइडिया सुनो। देखो ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना तुम लोग मैडम सर की नजरों से हो जाओ फुर। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो। ठीक है फिर तो क्या खाक वो रिपोर्ट निकालेंगी जब तुम दोनों यहाँ नहीं होगे। मैडम 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 ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। एक बार चल भाग चलते हैं और मैडम सर के साथ लुका छुप खेलते हैं। चलो जल्दी चल। भागो बिल्ले। हाँ मैडम। देखो बिल्ले ये दोनों ना मैडम सर की नजरों में आने नहीं चाहिए नहीं तो तुम दुनिया की नजरों में कभी नहीं दिखोगे। ठीक है ये सीक्रेट रखने के बदले मुझे क्या मिलेगा। चलो चलो देर हो रही है थाने में। सूरज देखो एकदम सूरज सर पे आ गए काले पड़ जाएंगे हम। आप समझे नहीं। नहीं हम नहीं समझे। हाँ तो हम सब पूछ रहे हैं। समझा तो रहे ना। मैडम ये अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। मैडम खाना लेकर आए थे उनके लिए नशा उतरा उनका। आपके सामने आप खुद ही देख लीजिए। एक्सक्यूज मी खाने में स्वीट स्वीट क्या है। बिल्लो स्वीट ये क्या कर रहे हैं। सो रहे हैं शायद। एक बात बताइए आपके हस्बैंड हमेशा ऐसे चिपकली की तरह सोते हैं क्या। हाँ संतोष जी आप खाना लेकर जाइएगा ना तो ऐसे करके खा भी जाएगा वो। कैसे कैसे मजाक की सॉरी। नहीं नहीं पक्का कुछ गड़बड़ है। मैडम आप जरा प्लीज बिना आवाज किए लॉकअप खोलेंगे क्या। सुनिए क्या कर रहे हैं ये आप। अरे माँ गरिमा तुझको देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। बोतल में जो नशा है तुझ में नहीं पाता। मैडम जरा दीवार चेक करिए तो। एक मिनट मैडम आपके पति सामने खड़े आप दीवार देखने की बात कर रही हैं। अरे आप एकदम अपने वाली हैं। हटिए। एक मिनट हटिए हटिए। हेलो क्या है पुष्पा जी। क्या है शराब। नहीं आप कहे तो इसके साथ चखना भी लगवा देते आपके लिए। जिस हिसाब से चुस्की मारा है आपने इस पाइप से अब पटियाला पैक पी चुकी है पुष्पा जी। मगर हम ठीक है। किसका हिम्मत हुआ यहाँ पे दीवार में छेद करने का। किसका हिम्मत हुआ। देख रही है मैडम आप जेल के अंदर होते हुए भी पक्का किसी को पैसे देके इन्होंने दीवार में छेद कर दिया और यहाँ बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दारू छोड़ेंगे। हम आपके लिए खाना लेकर आए थे लेकिन आप ना सिर्फ जूता खाने के लायक है। बाप रे बाप नहीं लोग को थाली में छेद करते हुए तो देखे थे दीवार में छेद करने वाला पहला इंसान देख रहे हैं। तो ये तो फिर मेरा टैलेंट हुआ ना। चुप। टैलेंट के टैलेंट मेरे बिल्ली ने उसका बार बना दिया। इसके पीछे है क्या ये अभी देखना पड़ेगा हमको। चलो नहीं मैं क्या कहता हूँ एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या है क्या। बिल्ले चलो बाहर चलते हैं। अरे मुड़ो ये
इन्होंने तो सलाई नहीं लगाई है ना? इतना ज्ञान खाली किया है, आई कैन बिलीव। ये आदमी तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में MBBS किया हुआ है ना, बताइए। दारू पीने के लिए दीवार में सुरंग बना दिया, देखिए। मैडम जी, आप ना इस आदमी को जब जहाँ जैसे जितना चाहे मारना चाहिए मारिए। नहीं 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 नहीं, आपको पता नहीं आप किससे कह रही हैं। दोबारा एक बार सोचिए और फिर बोलिए। सोच लिया हमने, सोच लिया। मैडम जी, आप इन्हें खूब मारिए, इतना मारिए कि इस आदमी का नशा पूरी तरह से उतर जाए। मार मार के इस आदमी की खाल उधेड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन हड्डियाँ छोड़ दीजिएगा मैडम जी। क्यों? क्योंकि वो हम खुद तोड़ेंगे। ओह,